हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? गाइस, एक खुशी की खुशखबरी है कि बैंकिंग एक्सपेरेंट के लिए के SBI क्लर्क का वैकेंसी आ चुका है। क्या कुछ है इस नोटिफिकेशन में? नोटिफिकेशन में हम लोग जानते हैं इसके बारे में, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन एस्पिरेंट के लिए जिसको अभी तक जॉब नहीं मिली है या IPPS कलर के PO में उसके सिलेक्शन नहीं हुई है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका एप्लीकेशन का डेट है 20/1/2/10/2018 तक, और वैकेंसीज देखिए, सारे वैकेंसीज दिए हुए हैं अहमदाबाद गुजरात से। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में लखनऊ या दिल्ली के सर्कल में, 454। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ है इसके बारे में जानते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, कोई भी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेंगे SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PWD जो जनरल में होंगे उसको 10 साल, और बाकी ये सब कुछ आप लोग देख ही सकते हैं। और सब क्या क्या कुछ है इसके बारे में देखते हैं। देखते हैं इसके बारे में। और ये सैलरी उसका पे स्केल है, ऐसा ऐसे पे स्केल है 31,500 तक। ये मतलब ये इंक्रीमेंट है, हर 3 महीने के बाद ये इंक्रीमेंट होते होते इतना तक पहुँचेगी। ऐसे मतलब एक अप्रोक्सीमेटली बोला जाता है कि 23,600 के आसपास सैलरी मिलेंगे। इसमें इंक्लूसिव है DA एंड अदर जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो अभी चल रही है उसी के हिसाब से सैलरी हो गई। एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं, एग्ज़ाम का 2 स्टेज होता है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होती है और मेंस एग्ज़ाम होती है। अगर आप जिस भी रीजन से अप्लाई करते हैं वहाँ का आप लोकल लैंग्वेज के सर्टिफिकेट, अगर क्लास 10 या 12 तक है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, अगर नहीं है तो लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सारे, बस इतना ही कुछ था इसके बारे में। चलिए अप्लाई करिए, और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। अच्छा, प्रीलिम्स, ये मेंस का है, प्रीलिम्स का कहाँ गया? अच्छा, प्रीलिम्स में होगी इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के 20 मिनट में। इस बार सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया गया है, प्लस टाइम को बाउंड कर दिया गया है कि किसी भी सेक्शन के लिए बस जिसमें तीस जिस भी सेक्शन में टाइम एलोकेट कर दिया गया है, यही एलोकेट कर दिया है। ये प्रीलिम्स है, और ये मेंस का पेपर ऐसा होगा, जनरल स्टडी या फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, 35 मिनट टाइम है इसमें। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट, रीजनिंग एंड एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट। ठीक है, टोटल 190 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और 2 घंटे 40 मिनट टाइम होगा। सफिशियंट टाइम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे वीडियो दोबारा बनाते रहूँगा।